कोई लड़ना है या मारना है, खत्म करना है, मुझे कर। मैं तेरे सामने हूँ, सीना ताड़ के खड़ा हूँ, मुझे कर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। मैं प्रदीप शर्मा, लगता है थोड़े दिन के बाद ये भी चीज़ हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का इतना अंधा कानून हो चुका है जो निर्दोष निर्दोष लोगों को सजा दिलवाता है और आरोपियों को छुड़वाता है। 25/3/2018 को जो रीता का मर्डर हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपके सामने पेश भी हुआ था, उस लड़की को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। उसमें करने वाले दो आरोपी थे, जो उसी का पति अर्जुन सिंह और उसी की प्रेमिका पूजा शर्मा, डॉटर ऑफ राधेश्याम आर सुधरानी की लड़की। लेकिन अर्जुन सिंह तो एसएसपी सर की वजह से और बलवंत सिंह मुरगोटिया की सर की वजह से अर्जुन सिंह पकड़ गया है, लेकिन एक निर्दोष लड़की फंसा दी है। क्योंकि थानों और चौकियों में एक केस होता है, किसने फंसाई, किसने पलटी मारा इस केस को, उस निर्दोष लड़की को फंसा दिया और पूजा शर्मा, डॉटर ऑफ राधेश्याम की लड़की, ये बाहर आ गई। लगता है वो निर्दोष लड़की सजा मुक्ति की इसका जो जो उसने किया ही नहीं है। और मेरे पास तख्ता सबूत है पूजा शर्मा, राधेश्याम की लड़की के खिलाफ, लेकिन मेरी चीज़ को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जो सुधरानी के लोग थे मेरे साथ, उन्होंने रिकॉर्डिंग में मेरे साथ वो बात करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि इनका घर का रवैया बहुत गंदा है, बदमाश टाइप के बंदे हैं ये, धमकियाँ आती हैं इनकी, और जिसी धमकियों के कारण मेरे माता पिता भी इसके शिकार हो चुके हैं, जिनकी वजह से मैं आज अनाथ का मुंह देखना पड़ रहा है। और मुझे कल से मेरे माता पिता ने मेरे को फारगती दे दी है, तो मैं भी ये नहीं चाहता किस वजह से दी है, ये तो मैं चाहता हूँ, पता है मुझे, क्योंकि वो नहीं चाहते मेरी वजह से जो अन्य मेरे भाई बहन हैं उनके ऊपर कोई आँच आए। तो मैं भी उन अपने माता पिता से कोई गिला शिकवा नहीं रखता, क्योंकि अगर मेरी वजह से अगर मेरे भाई बहन को कुछ होता है तो मुझे फारगती लेनी चाहिए थी उनसे, मैंने ले ली है। इसलिए अब मुझे माता पिता से, अपने माता पिता से कोई ऐसे वो गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है। तो आज के बाद ये पूजा शर्मा, मेरे माता पिता को दुखी मत करें, अगर तुझे कोई लड़ना है या मारना है, ख़त्म करना है, मुझे कर। मैं तेरे सामने हूँ, सीना ताड़ के खड़ा हूँ, मुझे कर। बड़ी पावर है तेरे में, कर ले मुझे। मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक चलती है और कहाँ तक उठती है, क्योंकि रब के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो कुत्ते की मौत मरेगी अभी, आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये चाहता हूँ अगर आज रीता देवी जिंदा होती तो कभी न जाती, निर्दोष लोग पकड़े जाएं और आरोपियों को छोड़ा जाए। अगर आसिफा आज जिंदा होती तो कभी न जाती, निर्दोष लोग पकड़े गए हैं जो, और आरोपियों को बाहर घूम रहे हैं। आप आसिफा केस को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को जानता है, कौन आरोपी है, कौन निर्दोष है, और किसको मार मार के उनसे मर्गी मनवाया जा रहा है, किस तरीके से गलत नाखून तक उन बच्चों को, लोगों को निकाल दिए हैं इन्होंने, जिनको इन्होंने निर्दोषी फंसाया गया है, और उन बच्चों को फंसाया गया है जिसका मालिक कभी नहीं अपनी बाप अपने बेटे को चाहेगा, बोलेगा मालिक मैं गलत काम कर रहा हूँ तो तू भी आके कर ले। जिन्होंने दो ने हमारे मंत्रियों आवाज़ उठाई, जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे चौधरी लाल सिंह थे, उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह है हमारे देश का कानून। मैं चाहता हूँ रीता देवी को इंसाफ मिल सके, और ये पूजा शर्मा की लड़की जो है, डॉक्टर ऑफ राधेश्याम की लड़की, इसे अरेस्ट हो सके। तो आम पब्लिक मेरा अगर संजोग देगी तभी ये अरेस्ट होगी, तभी पूज रीता देवी के आत्मा को शांति मिलेगी, अन्य अन्य उसे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आज पूजा शर्मा बाहर है, उसी तरीके से
कल अर्जुन सिंह भी बिना गवाही के साल के बाद बाहर आ जाएगा। उस रीता देवी को क्या मिला जिंदगी गवा के? उस रीता देवी का यही कसूर था। अगर उसे पता था तो मेरे 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 लिए पता था उसे, तो पहले मैंने आज बात की होती तो आज बहुत चिंता होती। चलिए, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ, अंत में यही चाहता हूँ, सावधान 24x7 से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि उस मरने वाली लड़की को इंसाफ मिल सके। और आम पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा संजोग दें। जय हिंद।